तो आज से कुछ पंद्रह साल पहले की बात है मेरे घर के पास एक फोटो कॉपी की शॉप हुआ करती थी और जिन अंकल की वो शॉप थी वो कुछ बच्चों को टाइपराइटिंग का कोर्स करवाते थे कीबोर्ड्स पर नहीं

ये कीबोर्ड और माउस लॉजिटेक की स्टूडियो सीरीज के प्रोडक्ट्स है जो कि अपने आप में काफी प्रीमियम प्रोडक्ट लाइन है इसलिए प्राइस पहले ही बता देता हूं ट्रिपल नाइन फाइव ऑलमोस्ट टेन थाउजेंड रुपीज फॉर दिस पॉप की बोर्ड और टू डबल नाइन फाइव यानी कि ऑलमोस्ट थ्री थाउजेंड रुपीज इस पॉप माउस के लिए लॉजिटेक हमेशा से ही ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है इसमें कोई डाउट नहीं है बट इन दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा प्रीमियम पे करना पड़ रहा है इनके लुक्स और एस्थेटिक्स के लिए अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस दोनों ही प्रोडक्ट्स का बहुत सिंपल है सबसे पहले अगर की की बात करते हैं तो आपको मिल जाता है की बोर्ड ऑब्वियसली उसके अलावा दो ट्रिपल ए बैटरीज जिनकी मदद मतलब से ये की बोर्ड पावरअप है एक बोल्ट रिसीवर कुछ पेपर वर्क और चार एक्स्ट्रा कीज एक अच्छी चीज ये है कि पैकेजिंग के ऊपर ही आप लोगों को को इंस्ट्रक्शंस मिल जाती है है कि इस को कैसे कनेक्ट करना है, अपने किसी भी डिवाइस से सिमिलरली अगर हम माउस की की पैकेजिंग बात करते हैं तो उसके अंदर भी आप लोगों को माउस मिल जाता है कुछ पेपर वर्क और उसके अलावा इसके बॉक्स के अंदर भी यहां पर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि किस तरीके से माउस को कनेक्ट करना है आपको अपने पीसी या फिर किसी भी और डिवाइस से एक बहुत ही मजेदार चीज दिखाता हूं माउस के बारे में ये ऊपर का जो कवर है ये सिंपली मैग्नेट से कनेक्टेड है और बहुत ही प्यार से उड़ जाता है इसको रिमूव करके या आप यहाँ पर बैटरीज भी इंस्टॉल कर सकते हो और वापस लगाने के लिए सिंपली इसके ऊपर रख देना है और ये मैग्नेट्स की मदद से स्नैप हो जाएगा तो ये काफी सिंपल बट ब्रिलियंट आइडिया लगा मुझे आप इन दोनों ही डिवाइसेस को अपने विंडोज पीसी मैक से और उसके अलावा अपने फोन और टैबलेट से भी कनेक्ट कर सकते हो यानी कि आईओ एस या एंड्रॉइड से भी कनेक्ट कर सकते हो गेमिंग कॉन्सोल से कनेक्ट नहीं कर सकते हो मैंने करके देखा है पी एस फाइव में और पी एस फोर में वहां पर एक मैसेज आ जाता है कि पी एस फाइव डपोर्ट दिस एक्सेसरी एंड ये बोर्ड रिसीवर सिर्फ की बोर्ड के साथ ही मिलता है तो अगर आप लोग बाई चांस माउस अलग से परचेज करते हो तो उसके साथ ये रिसीवर नहीं मिलेगा इसका मतलब आपको सिर्फ ब्लूटूथ से ही कनेक्ट करना पड़ेगा अपने डिवाइस के अंदर एंड चांस आपके पीसी में ब्लूटूथ ही नहीं है तो या तो आप ब्लूटूथ डोंगल खरीद सकते हो या फिर लॉजिटेक का ये बोर्ड रिसीवर भी परचेज कर सकते हो अलग से दोनों के ही एफिलियट लिंक आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहां से जाकर इनको परचेज कर सकते हो अगर आप अपने विंडोज या फिर मैक के अंदर इसको बोल्ड रिसीवर के थ्रू यूज कर रहे हो तो आप लोगों को बोल्ट एप भी डाउनलोड करनी पड़ेगी बट अगर आप लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो तो आप राइट अवे यूज कर सकते हो बिना किसी ड्राइवर वगैरह को इंस्टॉल किए इनफैक्ट ब्लूटूथ की मदद से आप लोग इसको साइमल्टेनियसली थ्री डिवाइसेज से कनेक्ट कर सकते हो और उनके बीच में स्विच भी कर सकते हो डिवाइसेस के बीच में स्विच करने के लिए माउस की बैक साइड के ऊपर तो एक बटन दे रखा है उसको थ्री टाइम्स प्रेस करके आप तीन डिवाइसेज के बीच में टॉगल कर सकते हो और कीबोर्ड के ऊपर भी F1, F2 और F3 कीज के ऊपर डिवाइस डिवाइस टू और डिवाइस थ्री के मार्क दे रखे हैं जिनको थ्री सेकेंड्स के लिए प्रेस कर कर आप डिवाइसेस के बीच में स्विच कर सकते हो और इनके वायरलेस कनेक्शन की जो रेंज है वो है अप टू मीटर्स तो अगर आप इसको किसी प्रोजेक्टर या फिर बड़ी स्क्रीन के साथ यूज करना चाहते हो डिस्टेंस पर बैठकर तो वो भी बहुत ईजीली कर सकते हो दोनों को ही वायरलेसली कनेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है कोई यूएस बी सी पोर्ट नहीं है कोई माइक्रो यू बी पोर्ट नहीं है विच ऑल्सो मीन्स की आप इसको किसी भी तरीके से चार्ज नहीं कर सकते हो

कीज को स्वॉप करना बहुत ही इजी है जितनी इजीली ये इस पैकेट से बाहर आ जाती है उतनी ही ये इस कीबोर्ड से भी बाहर आ जाती है आपको किसी टूल की रिक्वायरमेंट नहीं है बट अगर आप लोग उन साइकोपैथ्स में से हो जो अपनी कन्वर्सेशन के अंदर इमोजीज यूज ही नहीं करते हैं तो फिगर नॉट आप इन इमोजी कीज को कस्टमाइज भी कर सकते हो और अपने मन चाहे शॉर्टकट्स या फिर फंक्शन के लिए असाइन कर सकते हो विद हेल्प ऑफ लॉजेटेक ऑप्शन डाउनलोड कर सकते हो लॉजिटेक के सपोर्ट पेज से अगेन सभी प्रोडक्ट्स और एप्स के लिंक्स आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो इमोजी कीज को शॉर्टकट असाइन करने के अलावा आप लोगों को फंक्शन कीज के ऊपर भी बहुत सारे यूजफुल शॉर्टकट्स मिल जाते हैं और उन शॉर्टकट्स में इंक्लूडेड है स्निप स्क्रीन वॉल्यूम रॉकर्स मीडिया कंट्रोल्स और यहां तक की

और वो डिवाइसेज अगर सेम लोकल नेटवर्क पर कनेक्टेड हैं। तो आप लोग उन तीनों डिवाइसेस के बीच सीमलेसली चीजें कॉपी और पेस्ट कर सकते हो इंक्लूडिंग टेक्स्ट इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स जैसे एप्पल इकोसिस्टम में यूनिवर्सल कॉपी पेस्ट और हैंड्स ऑफ वाला फीचर नहीं होता तो कुछ कुछ वैसा ही आप इसको भी कर सकते हो बट हाँ, एक चीज नोट करने वाली है कि ये जो इमोजी वाली फंक्शनैलिटी है और लॉजिटेक फ्लो ये दोनों ही फीचर्स सिर्फ विंडोज और मैक के अंदर काम करते हैं एंड्रॉयड या आईओ के अंदर ये फीचर्स काम नहीं करते हैं मैं इन दोनों डिवाइस को अपने प्राइमरी की और माउस की तरह यूज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट टू वीक से बहुत सारी अमेजिंग चीजें हैं और कुछ शिकायतें भी हैं सबसे पहली चीज ये दोनों ही डिवाइस साइज में ना काफी छोटे हैं, जो कि छोटे हाथों और एवरेज साइज हैंड्स वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी बड़ी चीज नहीं है इनफैक्ट मुझे ऐसा फील हुआ कि छोटे होने की वजह से इसने मेरे डेस्क के ऊपर काफी कम जगह ली और डेस्क के ऊपर ज्यादा क्लटर भी नहीं लग रहा था बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपके हाथ बड़े हैं तो आप लोगों को इन दोनों डिवाइसेस के यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है नॉट अ बिग डील दो कीबोर्ड को एक ट्रेडिशनल टाइपराइटर वाली लुक तो डेफिनेटली दी गई है बट आई विश की कास्ट टाइप करते टाइम ना फील भी वैसी आती और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ना लॉजिटेक ने ब्राउन टैक्टाइल स्विचेस यूज करे हैं जो कि ब्लू स्विचेस के मुकाबले थोड़े से साइलेंट होते हैं सिमिलरली माउस की कीज भी बहुत म्यूटेड है अगर मैं एक रेगुलर माउस से कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट एट्टी टू नाइनटी परसेंट कम साउंड करते हैं ये और दोनों ही डिवाइसेस की क्लिकनेस कम होने का रीजन ये भी हो सकता है कि ये दोनों ही प्रोडक्ट स्टूडियो एनवायरमेंट या फिर वर्कप्लेस एनवायरनमेंट एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए तो उसके साथ साथ इसके बॉटम में ना रबर फीट भी दिए हुए हैं तो यह बिल्कुल भी हिलता नहीं अपनी जगह से जब आप इस पर टाइप कर रहे होते हो जोर लगाकर काफी कॉन्फिडेंट फील आती है इसको यूज करते टाइम नो डाउट टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत औसम awesome है इस की का बट एक दो शिकायतें हैं इस से मुझे सबसे पहली ये कि बैकलेट नहीं है सिर्फ जो कनेक्शन वाली कीज हैं और जो कैप्स लॉक है उन्हीं के ऊपर एलईडी इंडिकेटर्स हैं अदरवाइज किसी भी कीज़ के पीछे एलईडी नहीं है जो कि डार्क एनवायरमेंट में यूज करने में थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकता है और उसके अलावा क्योंकि ये बहुत थिक है मोटा है तो ना थोड़ा सा एर्गोनॉमिक भी नहीं है ये टाइप करते टाइम आपकी रिस्ट का जो एंगल है वो काफी एलिवेटेड रहता है तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि अगर आप ये कीबोर्ड बाय करते हो तो उसके साथ-साथ एक रिस्ट रेस्ट भी बाय कर लेना बट ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं बात करता हूँ माउस की तो यार ये बहुत एर्गोनॉमिक लगा मुझे माउस का वेट है 83 ग्राम और ये ना बॉटम हैवी है नीचे से हैवी है तो उसकी वजह से इसको यूज करना बहुत कंफर्टेबल लगता है और इकोनॉमिक फील होता है क्योंकि इसकी शेप नेचुरली आपके पाम के हिसाब से ही बनी हुई है चाहे कैसा भी सरफेस हो बीट वुड या फिर कोई फैब्रिक माउस पैड सभी सर्फेस पर यह फ्लॉलेसली काम करता है बहुत ही स्मूथ है बहुत ही प्रिसाइज है और इसका बेस्ट पार्ट है इसका स्क्रोल व्हील इसके बीच में ना आपको ब्रेक्स फील होते हैं जैसे कि गियर्स हो अगर आप आराम आराम से घुमा रहे हो तो आप लोगों को वो ब्रेक्स फील होंगे बट अगर आपको सपोज कोई बहुत लंबा वेब पेज स्क्रोल करना है या फिर कोई बहुत लंबी लिस्ट है जिसके नीचे

क्या कहते हो हो जाए जैसे पहले गोकू थीम का बनाया था ऑरेंज सेटअप तो अगर वो वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना एंड यस अगर इन दोनों प्रोडक्ट्स को परचेज करना हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे वहां से इनको चेकआउट करना हम मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आरियो